सादरं प्रपद्यते अहम् श्री राधा रमणं प्रभुं प्रभवत् यस्य तत् प्रतिष्ठा कार्तिका सेवितो भवेत्। ये आपके सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास पर पुस्तक से लिखा है। इसका जो प्रेयर है मैं आपको शायद प्रभु दे दूंगा, मैं यू कैन जस्ट सर्कुलेट विद एवरीबॉडी। ओके, तो हाँ, जब प्रभु जी ने माइक उठाया पहले चीज बोला कि ये कौन सा महीना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, कार्तिक मास। तो कार्तिक मास का तीन नाम है। ओके, एक है कार्तिक मास, एक है आपने बोला ऊर्जा मास, और एक है दामोदर मास। और प्रभु जी ने भी बोला कि कार्तिक मास क्यों है, क्यों कार्तिक को हम कार्तिक मास बोलते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि जो राधा रानी का और एक नाम क्या है, कार्तिका कुमारी, और उनका माँ का नाम क्या है, सुंदरी, कीर्तिदा सुंदरी। तो एक कार्तिका और कीर्तिका दोनों में कार्तिक आ रहा ना, तो उसलिए सनातन गोस्वामी बोल दिया कि ये कार्तिक है, कार्तिक महीना है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड कार्तिक मंथ, कार्तिक महीना। ओके, और विशेष करके राधा रानी का महीना है। बस सेकेंड थिंग क्या है, दामोदर मास। क्यों दामोदर मास, दाम मतलब क्या है, रस्सी, और उधर मतलब पेट, कमर का पेट। तो इस जैसे हम देख सकते हैं कि यू नो भगवान को प्राप्त करने के लिए सब ऋषि लोग इतना प्रयास करते हैं, यू नो उसको वश करने के लिए, और यमराज भी ना सबको कंट्रोल करता है, पर उस वो भी भगवान में कंट्रोल है। पर यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान को कोई कंट्रोल कर रहा है, कौन है, माँ यशोदा। माँ यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को बांध दिए, मतलब शी कंट्रोल्ड कृष्णा। तो वो है दामोदर, वो भी इसी महीना में होता है। ओके, सो वी नो अबाउट कार्तिक मास, वी नो अबाउट दामोदर मास। हाँ, ऊर्जा मास, क्योंकि राधा रानी का और एक नाम है ऊर्जेश्वरी। ओके, और ऊर्जा मतलब क्या है, शक्ति, यू नो। तो इस महीना में जो भी भक्ति करेंगे, भक्ति का चेष्टा भी करेंगे, उनको बहुत शक्ति मिलता है, बहुत पावर मिलता है, यू नो। और पावर तो चाहिए ना हमको, शक्ति चाहिए ना, शक्तिमान हम देखते हैं ना सीरियल, तो शक्ति चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको पालन करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे मैं बोल रहा था कि जनरली क्या है कि भगवान सबको कंट्रोल में रखते हैं, बट इस महीना में यशोदा माँ को भगवान को बांधती है। इसमें एक चीज जानने का इम्पोर्टेंट है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब माँ यशोदा आके कृष्ण को बांध रहे थे तो रस्सी कम हो गया, करेक्ट ना, कम हो गया। उन्होंने क्या किया, बांधने उन्होंने हेल्प लिया, करेक्ट, हेल्प लिया। उन्होंने दूसरे गोपियों को पूछा कि आप हेल्प कर सकते हैं क्या, ये मेरा नटकट कृष्णा, मेरा बाप ने सुन रहा है, इसको बांधना पड़ेगा। तो सब लोग आए हैं, तो पहले एक गोपी आई, उन्होंने भी रस्सी लेकर आए, बांधने गए और भी रस्सी छोटा बन गया। ऐसा पहले यशोदा माँ के अकेली थी, बाद में क्या हो गया, हजारों हजारों गोपी आ गए किसको बांधने के लिए, तभी का रस्सी छोटा था। तो भगवान देखे कि पहले तो अकेली थी, अब संघ हो गया, एक बड़ा संघ हो गया। वो क्या है, संकीर्तन। इसलिए जब हम कीर्तन करते हैं अकेला अकेले नहीं करना चाहिए, साथ साथ करना चाहिए। इसलिए हम लोग साथ साथ कीर्तन किए, जब कीर्तन किए जब साथ साथ सब लोग आ गए भगवान को बांधने के लिए, और माँ भी बहुत प्रयास कर रहे, तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगा कि ये सब लोग मेरे लिए इतना प्रयास कर रहे। तो इसलिए कृष्ण फाइनली ही गॉट बाउंडेड बाय मदर यशोदा, वो प्यार से भगवान पिघल दिए। देखिए हम बोलते ना कि भगवान क्यों घर में जाके मक्खन की चोरी करते थे, क्योंकि मक्खन का कमी थी का नहीं, गोपियों का जो हृदय है ना वो मक्खन जैसा था। पर हमारा घर में कितने मक्खन रखो कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा हृदय कैसा है, पत्थर जैसा है। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू नो। तो ये भी इसी महीना में हुआ था। हाँ, और जैसे मैं बोल रहा था कि अलग अलग महीना में अलग अलग भगवान का नाम रहता है, इस महीना में राधा रानी दामोदर मन बोलते हैं हम लोग। और एक चीज़ है, जैसे शास्त्र में लिखा है कि सब धाम, यू नो मतलब इफ अमंग ऑल द होली प्लेसेस कौन सा बेस्ट धाम है, वृंदावन धाम, यू नो। इस जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, अलग अलग धाम में बेस्ट धाम वृंदावन, अलग अलग नदियां हैं। तो
बेस्ट नदी कौन सा है? आपको सब पता है क्या? गंगा नदी है. ओके, और अलग अलग पौधा है, लीव्स, यू नो, उसमें सबसे बेस्ट पौधा कौन सा है? तुलसी लीव्स. और अलग अलग ग्रंथ है, उसमें बेस्ट ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत. श्रीमद् भागवत. वैसे ही हम देख सकते हैं कि अलग अलग युग में सतयुग बेस्ट है, वैसा अलग अलग महीना में कौन सा महीना बेस्ट है? हरी वो है कार्तिक. हाँ, और आपके लिए एक स्पेशल क्विज, सब लोग सो रहे हैं, आपके एक्टिव करने के लिए. तो इस महीना में, कार्तिक महीना में बहुत फेस्टिवल है, कितना बहुत फेस्टिवल है, और बहुत चीज कृष्ण ने किया है. तो कोई मुझे बोल सकते हैं क्या है? एक है दीपावली, और क्या है? गोवर्धन, धन्वंतरी पूजा, धन्वंतरी, ओके, लक्ष्मी पूजा, और क्या है? गोपाष्टमी, तुलसी विवाह, और क्या है? बहुलाष्टमी, ओके, बहुलाष्टमी, और क्या है? और क्या है? हाँ, शरद पूर्णिमा, और विष्णुदेव ने कुछ किया था ना इसमें, इस महीने में? हाँ, विष्णु पंचमी इस महीने में हुआ था. अब विष्णु पंचमी, अच्छा, और क्या होंगे? और क्या है? एक चीज के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, इस महीने में जो इस्कॉन का अंतर्राष्ट्रीय भावना का संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, उनका भी तिरुभाव दिवस है. ओके, और हम देख सकते हैं कि 14 नवंबर 1977 में, नवंबर मतलब कार्तिक महीना में, शाम को 7:25 PM में प्रभुपाद ने ही लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड एंड वेंट टू गोलोक वृंदावन. बोलो श्रील प्रभुपाद की जय. और एक चीज है कि श्रील प्रभुपाद जी का जो गुरु, उनके गुरु का नाम क्या है? ठाकुर. उन्होंने प्रभुपाद जी को मिला, कहां पर मिले? राधा कुंड में मिले. ओके, उन्होंने बोला जब भी आपके पास पैसा आता है बुक को प्रिंट कीजिए. ओके, सो ही सेज दैट व्हेनेवर यू get money, print books. Okay, देखिए ये भी instruction कार्तिक मास में हुआ था. और ये कब हुआ था? कार्तिक मास से कहाँ पर? राधा कुंड में, you know? Amazing, right? हाँ, actually इस महीने में बहुत बहुत festivals है, तो इसलिए सब लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए. Okay, and also they said that और दीपावली का दिन ही कृष्ण ने यशोदा ने कृष्ण को वो रस्सी से बांध दिया था. हाँ, वो भी दीपावली का दिन है. और रामचंद्र दिन वापस कब आए? अयोध्या से, सॉरी, इधर से लंका से अयोध्या कब आए? दीपावली से. वो भी दीपावली है, मतलब दीपावली से वेरी स्पेशल. और तुलसी महारानी का अपीयरेंस कब हुआ था? कार्तिक महीना में हुआ था. ओके, जो समुद्र मंत्र लीला में. ओके, वेरी गुड. और एक चीज है कि अभी कृष्ण के कितना पति थे? 16,000. उसमें सत्यभामा के पटरानी थी, बहुत स्पेशल थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्तिक लास्ट पूर्व लाइफ में, कार्तिक मास में उन्होंने तपस्या की. देखिए, जस्ट बिकॉज उन्होंने कार्तिक मास तपस्या की, उनको कृष्णा मिल गया, यू नो. उसने आपको भी कृष्णा चाहे तो आप लोग सब कार्तिक मास में कुछ व्रत ले सकते, जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके. हाँ, वृंदावन में 12 वन है, जैसा कबीर वन है, कबीर वन है, मधुवन है, अलग अलग वन है. तो उसमें एक वन है, वो मधुवन वन है. तो हम देख सकते हैं कि जब छोटा बच्चा था ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज को भगवान का साक्षात दर्शन हो गया, 6 महीने में हो गया. वो जो 6 महीने लास्ट में, वो कब था? कार्तिक मास में था. तो उसने देखिए, जो भी कार्तिक में आ रहा है, जैकपॉट, यू नो, पूरा जैकपॉट. तो वो है एक एडवांटेज. अभी भी है वो मधुबन में, ध्रुव तिलक के. हाँ, और यहाँ पर लिखा है कि
जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सब शास्त्रों में, सब वेदों में लिखा है कि इस कार्तिक मास को बहुत गुणगान किए, इतना गुणगान किए, इतना गुणगान किए कि जो भी थोड़ा भी थोड़ा से भी भक्ति करेंगे ना, जैसे एक श्लोक है ना, नेह भी कर्म नास्ति प्रत्यावायु न विद्यते स्वल्प कैसे महतो, मतलब छोटा भी सेवा करेंगे ना भगवान आपको बड़ा तोहफा देंगे। तो इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कार्तिक मास जो भी सुबह सुबह उठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इसका भी फल मिलेगा। कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं उसको भी बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो इसलिए कार्तिक मास इज वेरी वेरी बेस्ट मंथ। इसका कुछ बेनिफिट भी है, यू वांट टू नो द बेनिफिट्स ऑफ कार्तिक मास? ओके, मतलब लाभ, इसका बहुत लाभ है। जैसे कोई भी एक पत्ता, तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण किए तो पता है इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है 10,000 गाय को दान करने का लाभ है। तो यहाँ पर कितना पास घर में गाय है? नहीं है ना, तो इसलिए आपको, आपके पास 10,000 गाय है? 10,000 गाय है? नहीं ना, मैं क्या बोला, 10,000 गाय। तो उसका लाभ आपको मिलेगा जस्ट एक तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण करने से। तो 30 दिन में हम 30 पत्ता अर्पण किए तो कितना प्रभु? दूसरा क्या है कि इसमें लिखा है कि कार्तिक मास में एटलीस्ट एक श्लोक आप पढ़ेंगे, एक श्लोक छोड़ो यार, दो लाइन पढ़ेंगे, दोनों का छोड़ो, दो लाइन छोड़ो, एटलीस्ट एक वर्ड आप जो पढ़ेंगे ना गीता का, आपको पूरा 12 चैप्टर, सॉरी पूरा 18 चैप्टर का लाभ मिलेगा कार्तिक मास में। ऐसे मत करो कि प्रभु जी ने बोल दिया हम आधा श्लोक पढ़ेंगे, नहीं नहीं, कृपा करके एटलीस्ट एक श्लोक तो पढ़ो प्लीज। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और इसमें यह भी लिखा है कि इस महीना में ना विशेष करके कृष्ण भगवान का हम परिक्रमा करेंगे ना, जिसे हम देख सकते कि इंद्रदेव उन्होंने कितना अश्वमेध किया, 100 किया, उसने वो स्वर्ग का राजा बन गया। पर कार्तिक मास में लिखा है कि कोई तो विष्णु भगवान का परिक्रमा करेंगे ना, एक एक कदम को, एक एक अश्वमेध को तुलना किया है। तो समझो प्रभु जी एक बार तुरंत 5 बार परिक्रमा कर दिए, यू नो 100 हो गया तो आपको इंद्र का पोस्ट मिल गया आपको, यू नो। तो इसलिए कार्तिक मास के 30 दिन में ना आप कितना होता उतना विष्णु भगवान का परिक्रमा कीजिए, क्योंकि आपके एक एक कदम ना वो आपके एक अश्वमेध को तुलना किया है। एक अश्वमेध यज्ञ मतलब बहुत बड़ा चीज है, बड़ा वो कलयुग में जैकपॉट मिल रहा है। तो प्लीज आप लोग इसका पूरा लाभ लीजिए। यहाँ पर ये भी लिखा है कि कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कब है? बहुत सरल है, सूर्यदेव आने के पहले 1.5 आवर बिफोर, यू नो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलमोस्ट सूर्यदेव कब, व्हाट टाइम ही अपीयर्स? 5 बजे ना, मतलब 5 o'clock सन राइजेस, मतलब 3:30 to 5, 1.5 आवर बिफोर सनराइज, 3:30 to 5, ये है ब्रह्म मुहूर्त का। इस टाइम में कोई स्नान किया बाय चांस, इट इज एज गुड एज टेकिंग बाथ इन ऑल द होली वाटर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। दुनिया में जितना भी तीर्थ स्थान है उसका लाभ आपको जस्ट एक बार आपके बाथरूम में देखे एक बकेट का पानी डालने का, बस। वो कभी रात को नहीं, दोपहर को नहीं, सुबह 10 बजे नहीं, कब? 3:30 to 5 इस टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त टाइम में, इसका भी आप लाभ लोग। और क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान ने इस महीने में मत्स्य का अवतार लिए हैं, तो भगवान पानी में रहते हैं और आप लोग पानी में स्नान कर रहे हैं विशेष करके, तो उसके आपको पूरा लाभ मिलेगा। ओके, हाँ, और यहाँ पर यह भी लिखा है कि इस व्रत को कोई पालन करता है उनका पितरों मतलब ऑल द एंसेस्टर्स दे गेट डिलीवर्ड, उनको मोक्ष मिल जाता है। जनरली क्या है, पिंड देना पड़ेगा, ये तो पड़ेगा, बट इस कार्तिक मास में कोई तो उसका पालन अच्छा करे कि मैं सुबह सुबह उठूंगा, पूरा 30 दिन
थ्रो उठ रहे ब्रेक ने, मतलब डायरेक्टली उनके पितरों को ये उधार कर रहे हैं। देखो कितना एडवांटेज है, हम लोग जाते हैं गया प्रयाग इधर पूरा आपको जैकपॉट में मिल रहा है। ओके, तो कार्तिक मास कब से कब चालू होता है, डेट बोलिए। 21 से 19 नवंबर। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो भी आप अच्छा चीज करेंगे इस मास में, इसका क्रेडिट और इस पर क्रेडिट, इसका जो फल हमेशा आपका हाथ के साथ तक रहेगा और नेक्स्ट लेसन भी वो आपको साथ देगा। ओके, तो इसलिए मनुष्य जीवन तो बहुत दुर्लभ है, है ना, तो प्लीज आप लोग इसका पूरा लाभ लीजिए। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि कार्तिक मास में बाई चांस कोई तो माला कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, मतलब मैंने 1000 बार माला कर दिया, मतलब एक महामंत्र 1000 बार को तुलना किया, ऐसा 108 माला, मतलब 108 × 1000। और जो लोग 16 माला कर रहे हैं आपको तो जैकपॉट लग गया, यू नो, देखिए कितना स्पेशल है इस महीना में, यू नो। तो जो भी कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा माला करेंगे उनको उतना फल मिलता है महामंत्र का। और हम पता है कि भक्ति में आसान चीज़ क्या है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो है भगवान का नाम, क्योंकि शास्त्र में लिखा है हरेर नाम में केवलम कलोव नास्तेव नास्तेव नास्ते गति अनित, और कुछ मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है, वो क्या है, भगवान का नाम।